जी आप सुन पा रहे हैं? आपका माइक म्यूट है, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, फिर आपका सवाल लेते हैं। हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत बढ़िया आ रही है, बताइए क्या जानना चाहेंगे। हाँ जी, तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। मेरा सोमेश जी से दो बात करनी थी। पहले तो ये कि आपने कुछ महीने पहले एक डिस्कस किया था अपने इसी चैनल पर कि आने वाले समय में, नॉट शॉर्ट टर्म लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक 6 to 1 ईयर में कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी रैली आने की संभावना है। तो क्या ये सही टाइम है अभी से सिलेक्शन करने का और धीरे धीरे जो सही रेट पे चीज़ें मिल रही हैं उनको उठाने का? और दूसरा एक प्रश्न मेरा स्टॉक स्पेसिफिक है इमामी पर। इमामी FMCG के अंदर आता है, अभी 20 के PE पर चल रहा है, हिस्टोरिकल वैल्यू देखी जाए तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर है। तो क्या आपको लगता है कि अभी ये लेवल है लेने का? और मैं इस मतलब मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है, मुझे लग रहा है कि अभी इस लेवल पर कम से कम 30% गेन ओवर 1 ईयर में मिलना चाहिए। आपका क्या व्यू है इस पर? ठीक है, तो पहले सवाल का आपका पहला जवाब देते हैं। आपने जो स्मॉल कैप और मिड कैप पे जो रिपोर्ट निकाली थी उसकी बात, देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी मेरा वही व्यू है जो पहले था। थोड़ा बीच में जो चेंजेज आए हैं उसको कैसे एडजस्टमेंट में देखना है वो बताता हूँ। तो नॉर्मली जब ग्रोथ फेज में इकोनॉमी जाती है तो वहाँ पे जो मिड कैप और स्मॉल कैप रहते हैं उनका हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। हम उस ग्रोथ फेज में जा रहे थे लेकिन बीच में जो हलचल हो गई है वो इंटरेस्ट रेट वाली और इन्फ्लेशन वाली हो गई है। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के हलचल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बीच जो अनसर्टेनिटी बन गई है कि कितने लेवल तक इंटरेस्ट रेट जाएगा ऊपर, कितने लेवल कब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इसके कारण होता यह है कि जो 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 स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं या मिड कैप कंपनीज होते हैं, इनको जो ग्रोथ कैपिटल उठाना होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जिसके लिए हम सब इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, ये ग्रोथ कैपिटल थोड़े समय के लिए रुक जाता है। कब तक रुक जाता है? जब तक एक व्यू नहीं मिल जाता है कि इंटरेस्ट रेट कब जाके स्टैगनेट होगा और कब वहां से इसका साउथवर्ड मूवमेंट शुरू होगा। साथ में ये भी होता है कि इस फेज में ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली स्मॉल कैप और मिड कैप काम नहीं करेंगे, लेकिन वैसे स्मॉल कैप और मिड कैप काम करेंगे जहाँ पे डेट का लेवल कम होता है, जहाँ पे उनके उनके पास थोड़ा सरप्लस कैश होता है, एटलीस्ट थोड़े बहुत एक्सपेंशन को मैनेज करने के लिए जो इंटरनल अक्रुअल्स कर सकते हैं। वैसे कंपनीज में फिर भी मूवमेंट रहेगा, चाहे वो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो मेरे साथ काम करते हैं उनको ये चीज़ दिखती होगी, उनसे उन स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में। तो जो ब्रॉड बेस स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं वो कंप्लीट काम नहीं करेंगे इन इन्फ्लेशनरी एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, सेलेक्ट काम करेंगे। लेकिन जब तक ग्रोथ पे क्वेश्चन नहीं है, और ग्रोथ पे अभी टोटल क्वेश्चन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 6-7% के ग्रोथ को किसी तरह से हमें क्वेश्चन करना चाहिए। नेट ग्रोथ ये बहुत अच्छा ग्रोथ है। अब यहाँ से होगा क्या कि इसमें जो पोजीशन बना के रखना है वो पोजीशन बना के रखना चाहिए सेलेक्टिव, जो समझ में आती है कंपनी, जो समझ में आता है सेक्टर। 3 to 6 मंथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, 3 to 6 मंथ हेंस मार्केट फैक्टर करने लगेगा इंटरेस्ट रेट की साउथवर्ड जर्नी, और उस केस में आपको अपनी रेडीनेस रखनी पड़ेगी जब मिड कैप और स्मॉल कैप का प्ले आएगा। जो मैं अभी कह रहा हूँ कि मिड कैप ब्रॉड बेस्ड थोड़ी बाइंग वहां पे दिख रही है, वो इसी बेसिस पे कह रहा हूँ कि वो धीरे धीरे वो चीज फैक्टर होते हुए दिख रही है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में मेरा जवाब, पहले तो डिटेल समझा दिया आपको कैसे का बिहेवियरल पैटर्न होता है, अब उसमें पोजीशन बना के रखना है, लेकिन आपके जो पोर्टफोलियो का मिक्स है उसको हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो आप कैसा बनाना चाहते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में टोटल स्क्यूनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें सबका मिक्स प्रॉपर होना चाहिए। और इस समय से स्मॉल कैप और मिड कैप जो सेक्टर्स हम बात करते हैं उन सब में पोजीशन बननी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें पोजीशन लेके उनको 1-2 साल के जेस्टेशन का वेट करना पड़ता है, तब जाके उसमें कभी अच्छा मूवमेंट आता है। और जब मूवमेंट आता है तो आपको 2 साल नहीं, पिछले 20 साल के लिए कॉम्पनसेट कर देता है, इसलिए वहां पे आपको पोजीशन बना के ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके सवाल का जवाब,
आपको पोजीशन बनाना चाहिए, कहाँ बनाना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, किस सेक्टर में बनाना है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, कम डेट वाले में बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उन पे बर्डन कम आएगा, डेट सर्विसिंग बर्डन कम आएगा। तो ये सिचुएशन मुझे लगती है स्मॉल कैप और मिड कैप पे पोजिशनिंग। और अगर इस पे आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया है तो मैं इमामी की तरफ बढ़ूंगा, अदरवाइज कोई क्वेश्चन है तो उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। जी अभय जी। हाँ जी, इसमें बस खाली एक एडअप कर रहा हूँ कि आपका व्यू क्या है कि अभी देखा जाए तो निफ्टी भले ही अपने टॉप से बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, क्योंकि तो कुछ सेलेक्टिव स्टॉक को ऊपर टांग करके ही गेम हो रहा है, तो लेकिन अगर अब देखा जाए बाकी स्टॉक ओवरऑल जो ओवरऑल मार्केट के स्टॉक है उनको देखा जाए तो लगता है कि ये निफ्टी 16,000-17,000 का लेवल 16,000 लगभग लगता है। तो अगर बाय एनी चांस कुछ ग्लोबल ऐसा हो गया जिसकी वजह से अगर निफ्टी यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट गिर जाता है तो फिर ये मिड कैप स्मॉल कैप को तो और बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो आपको लगता है कि क्या अभी ये एक राउंड का बाइंग अभी आकर के मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग आनी चाहिए, या फिर ओवरऑल जब निफ्टी स्टेबल होकर के ऊपर चढ़ेगा उसके साथ में ही बाइंग आ सकती है? बाइंग आ रही है, बाइंग आनी भी चाहिए, लेकिन ये जो मार्केट है ना पिछले आप खासकर पिछले 2-2.5 साल से जो मार्केट है, ये मार्केट में जो प्रमोट करते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग और बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, मेरा ऐसा मानना है कि उस तरह से अगर हम काम करेंगे तो अब मार्केट से पैसा नहीं बन सकता है। पहली चीज कि हमें अच्छे टॉप डाउन में भी अगर हम जाएं तो हमें फेयरली अंदाजा होना चाहिए कि किस सेक्टर में हमें जाके बैठना है, उसके बाद हमें फेयर अंदाजा होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में जाके बैठना है। लेकिन हमेशा चर्न करना पड़ेगा। आज की तारीख में मान लीजिए आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो आपको उसमें से 40 रुपीज़ चर्निंग के लिए रखना ही पड़ेगा जिससे आपके साल भर की कमाई हो और कॉस्ट एवरेजिंग हो, तभी जाके आगे पैसा बनेगा। अदरवाइज ये पिछले 1.5 साल में आप देखें मार्केट जहाँ था वहीं है, अक्टूबर 2021 से आज में कोई फर्क नहीं है मार्केट में, 0.25% का भी रिटर्न नहीं। तो अगर यहाँ पे पोर्टफोलियो में कमाते रहना है तो थोड़ा पोर्टफोलियो को डायनामिक करना ही पड़ेगा, सिर्फ खरीद के बैठने से तो काम नहीं चलेगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो पोर्टफोलियो का दोनों तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, डायनामिज्म भी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में सर्टेन एक्सटेंट, और बैठना भी चाहिए। खासकर अब टाइमिंग भी, लोग कहते हैं कि टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा तो टाइमिंग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब निफ्टी अगर इतने कंसॉलिडेशन के बाद अगर बाहर निकलती है अपने रेसिस्टेंस जोन से तो वहां जाके हम चर्निंग शुरू कर देंगे तो फिर हम जो एक्चुअल रन आने वाला है वो मिस कर जाएंगे। तो चर्निंग तब तक करनी है जब तक निफ्टी इस रेंज में है और कोई इसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड भी हो रहा है और हमारी फर्दर पोजिशन बिल्डिंग भी हो रही है लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप में और रैली जब आने वाला है। रैली जब शुरू हो जाए तब चर्निंग करने की जरूरत नहीं है, फिर उस रैली को राइड करना। तो ये मेथड लगाना पड़ेगा, एक तो पोर्टफोलियो को डायनामिक बनाना पड़ेगा सर्टेन पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो को, लेकिन उसको कब डायनामिक रखना है और कब स्टैटिक रखना है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। डायनामिक तभी तक रखना है जब तक मार्केट को बहुत ट्रेंड नहीं है, लेकिन जब मार्केट में ट्रेंड आ गया और समझ आ गई कि अभी तक यूफोरिया फेज में नहीं गया है तो वहां पे आप पोर्टफोलियो को फिर स्टैटिक रखें, वहां पे डायनामिक नहीं करें। तो ये जो स्टैटिक और डायनामिक का मिक्स है विद अ व्यू ऑन मार्केट एंड विद 3-5 years view, ये काम करेगा। तो इस मेथड से ही मुझे लगता है आगे बढ़ पाएंगे, आगे काम कर पाएंगे। अदरवाइज विथ मीडियन ट्रेलिंग पी निफ्टी का 21 year फॉरवर्ड क्लोज टू 17.5-18, स्टैटिक पोर्टफोलियो कंप्लीट रिटर्न तो नहीं दे पाएगा बिकॉज हम इतने सस्ते तो रहे नहीं जो हम 2020 में या 2021 में। तो इतनी महंगाई में आप स्टैटिक पोर्टफोलियो से कंप्लीट नहीं कमा सकते हैं, ये दिमाग लगाना ही पड़ेगा और मौका देंगे मार्केट को तो पैसा बना के देगा। और मैंने ऐसे थोड़ी अभी 1-2 दिन पहले लिखा भी है, मार्केट में 5 साल का साइकिल रखिए, 1-2 साल की मेहनत करनी है पोर्टफोलियो बनाने के लिए और 3 साल बैठ के कमाना है, वैसे काम हो सकता जी। तो अब यहाँ पर हम लोग इमामी पर भी बात कर लें, इमामी का चार्ट आपके सामने है, क्या इसने अपना जो पिछला बॉटम तोड़ दिया है तो इसके चलते चिंता बढ़ी है इमामी को लेकर? देख लेते हैं इमामी का क्या सीन है।
मैं बार बार ये हमेशा इतना महंगा रहता है कि इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओके इमामी में देखिए प्राइमरी ट्रेंड तो अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, मैं कह नहीं सकता कि यहाँ से कंप्लीट बाय हो गया है, थोड़ा वेट एंड वॉच बेहतर रहेगा। बहुत क्लैरिटी मुझे नहीं है, क्यों क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज मेरा बेट तो ये रहेगा कि हो सकता है कि एक बार ये अपना 350 वाला जो रेंज है वो जाके टेस्ट करे और तब जाके हो सकता है कि इसको थोड़ा ठीक ठाक सपोर्ट मिले, मुझे ऐसा देख के लगता है। क्योंकि इसके जितनी भी प्राइमरी ट्रेंड है वो अभी इसके फेवर में नहीं है, तो 350 प्लस माइनस सम डिविएशन एक बार ये अगर दे दे तब ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे कि इमामी का करेक्शन खत्म हो गया है। और अभी ये इमामी जो है आपका सेल ऑन राइज का बना हुआ है, तो पहली चीज की प्राइमरी ट्रेंड आपको समझा दिया। दूसरी चीज ये है कि 410-12 के ऊपर में ही इसको आपको पॉजिटिव समझना है, बिकॉज 410-12 के आसपास एक फ्लैट रेजिस्टेंस भी आएगा, 50 DMA भी आएगा, उसके पहले में इसमें किसी भी तरह से पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर देखिए दो तरह का है, पहला कि प्राइमरी ठीक नहीं है, दूसरा ये भी है कि ऐसे स्ट्रक्चर में एक बार ही बॉटम खत्म होता है बनता है, वो बॉटम तभी कंफर्म हो पाएगा जब एटलीस्ट 50 DMA निकले, नहीं तो एक और बॉटम बनेगा। तो 50 DMA निकलने के पहले मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जल्दबाजी करनी चाहिए, आराम से इंतजार करना चाहिए, और 50 DMA निकल भी गया तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं चलेगा इसमें, आराम से वेट करना है, देखना है 50 DMA के ऊपर भी जाके ये स्ट्रगल कर सकता है, 50 DMA के ऊपर 200 DMA तक जाने की इसमें ताकत रहेगी, फिर रीवैल्यूएशन होगा, हो सकता है वहां से इसकी फाइट फिर से नीचे वाली शुरू हो। तो मुझे बहुत ज्यादा इमामी में जल्दबाजी करने की जरूरत तो नहीं लगती है। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से आप यही कह सकते हैं कि 410 के ऊपर में बाई होगा, कहाँ तक बाई होगा, जहां तक इसका 200 DMA रहेगा, हो सकता है कि 440 के आसपास तक, उसके बाद फिर इसकी रीवैल्यूएशन करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये पॉजिटिव होता है कि नहीं ये मुझे देख के समझ में आता है, इसमें पेशेंस रखना चाहिए, इतनी जल्दबाजी तो मुझे नहीं लगता है कि करनी है। जी तो यहाँ पर आपने 350 के आसपास तक जाने की संभावना जताई है, 350 ज्यादा ऐसा स्तर होगा जहाँ पर खरीदारी इसमें शुरू करनी चाहिए, या रिट्रेसमेंट को देखते हुए लगभग 320 के आसपास का लेवल जो है वो ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि वहाँ लगभग 1.8% रिट्रेसमेंट आ जाएगा। नहीं, जब स्टॉक करेक्टिव मोड में होता है ना तो पहले से मन बना के खरीदने का तो रखना नहीं है। हाँ, वहां पे जाके अपना अलर्ट सेट कर लेते हैं कि इन बिटवीन 320 टू 350 इसका अलर्ट रहेगा रीवैल्यूएशन। अब वहां पे कहीं पे इसमें बाइंग नजर आएगी और सस्टेन्ड बाइंग नजर आएगी, और अगर वो रिजल्ट से अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो फिर वहां पे खरीदारी की जा सकती है, बिकॉज रिलेटिव वैल्यूएशन में देखेंगे तो इमामी बहुत सस्ता मिल रहा है, तो अगर सस्ता मिल रहा है तो फॉर द मोमेंट इसमें वो ग्रोथ शायद ना भी दिखे, तो 320-350 में इसको रीवैल्यूएट करना चाहिए, और अगर वहाँ पे ठीक दिख जाता है तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार ही डाउन ट्रेंड ओवर होने का तो वेट करना ही करना चाहिए। जी तो अभय जी, अभी आपके चुने हुए शेयर में एक डाउन ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड इसका नीचे है, इस बात को ध्यान रखिए, जो लेवल्स बताए सोमेश जी ने उनका ध्यान रखिए, वहाँ पर एक बार फिर से आप वापस अपने सवाल को लेकर के आ सकते हैं। क्या अभी आपकी जिज्ञासा इमामी पर पूरी हो गई या इसमें कुछ और समझने की जरूरत लग रही है? नहीं सर, अभी मुझे आंसर मिल गया है, 350 के आसपास जब जाएगा उस टाइम पर एसआईपी मोड पर थोड़ा बैंक शुरू कर सकते हैं। नहीं नहीं अभय जी, 350 के पास इवैल्यूएट कीजिएगा। अच्छा, 410 के ऊपर में इसका शॉर्ट टर्म आपको 5-10% का रन मिलेगा, लेकिन 350 के बाद इवैल्यूएशन शुरू कीजिएगा, सीधा खरीदिएगा मत, बिकॉज 350 अगर जाएगा और वहां से सुधरना है तो कहीं ना कहीं इसमें डिमांड क्रिएट होती दिखेगी, जब तक वो डिमांड क्रिएट होती ना दिखे तब तक मुझे नहीं लगता कि स्टैगर्ड बाइंग शुरू करनी चाहिए। फिर से ध्यान रखिएगा, स्टैगर्ड बाइंग के लिए हमने 2 एपिसोड किया हुआ है, स्टैगर्ड बाइंग करने के पहले डाउन ट्रेंड वाले को कभी स्टैगर्ड बाइंग नहीं करना, ओवर हो जाए डाउन ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड में रहे वो प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ही स्टैगर्ड बाइंग कर, अदरवाइज नहीं कर। सर, मेरा सोचने का खाली एक फंडामेंटल रीजन ये था कि अभी जो गर्मी का टाइम आ रहा है और
गर्मी ज्यादा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे पाउडर हैं, जैसे डर्मी कूल है, नवरत्न तेल है, ये सब चीजें का मतलब सेल बढ़ेगा तो ये जो क्वार्टर आएगा अपना नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, मौसम आ रहा है इनका जी। तो अब और अभी 20 के पीई पर मिल रहा है तो मुझे लगा कि शायद सस्ता मिल रहा है, अभी उठाना चाहिए थोड़ा थोड़ा इसको, ये फंडामेंटल खाली एक रीजन था बस। इसमें आपने जो भी बोला एक एक बात सही बोला, और मैंने भी इस चीज को बोला कि अपने रिलेटिव वैल्यूएशन से सस्ते दाम पे, लेकिन जो मैं ओवरऑल एनालिसिस इसकी करता हूँ वो यही कह रहा है कि इसमें डाउनसाइड कंप्लीट ओवर होने में हो सकता है टाइम हो, तो 410 अगर निकल गया क्लोज देने लगा उसके ऊपर तो वैसे भी ये यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, फिर आप एक बेटर कॉन्फिडेंस के साथ वहां से स्टैगर्ड बाइंग शुरू कर सकेंगे, और आपके पास जो अभी इसका करंट लो है वही इसका स्टॉप लॉस भी रहेगा जो कि 375 के आसपास है, तो 375 से 10% का डिस्टेंस है, उससे ज्यादा तो डिस्टेंस है नहीं, जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बन जाएगा, 10% का जो स्टॉप लॉस हमें वैसे भी लगाना पड़ेगा। तो अगर 410 के ऊपर गया और सस्टेन किया तो वहां से हमारा जो बाइंग रहेगा उसमें बेटर कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज पैरामीटर पॉजिटिव रहेंगे, हमारे पास एक क्लियर कट 370-375 का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं है बाइंग का, है कहाँ 350-320, पता नहीं कौन सा है, कहाँ पे रुकेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खरीदने के पहले एक मेथडोलॉजी अग्री कर लेते हैं कि मेथडोलॉजी में ट्रेंड एटलीस्ट समझ में आ जाए, अभी तो ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, तो अभी जो हम करेंगे ये हम प्री एम्प्ट करेंगे ये सोच के कि गर्मी में सबको पसीना होगा और पाउडर लगा के ही घूमेंगे, तो बात तो सही है, लेकिन उसके लिए अगर वैसा होना है तो स्टॉक प्राइस में देखने देते हैं, 410 दिख जाएगा जी जी। तो अभय जी कुल मिलाकर के आपको ट्रेंड के पलटने का इंतजार करना है, अभी ट्रेंड पलटा नहीं है, लेकिन आप जो ऑब्जर्वेशंस आपके हैं उनमें दम है, लेकिन वो चार्ट पे यहाँ पे नजर आनी चाहिए कि हाँ वो चीज असल में असर करने लगी है, जब असर करने लगे तो फिर आप अपने दाव आजमाए उस पर और फिर अपने एनालिसिस के दम पर आगे बढ़ें, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी एक ही चीज सोमेश आपको कह रहे हैं कि ट्रेंड के वापस पलटने का थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ जो गिरावट चली आ रही थी वो रुक गई, अब गाड़ी वापस घूम गई, मतलब ये कि एक गाड़ी जिधर जा रही थी उसने ब्रेक लगाया है लेकिन यू टर्न अभी लिया नहीं है, यू टर्न ले, ब्रेक लेना एक सिग्नल हो सकता है कि शायद यू टर्न लेने वाला है, जब यू टर्न लेने की भी बात पक्की हो जाए उसके बाद फिर आप उस गाड़ी में सवारी कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आप जुड़े लाइव।